जापान की अजीब चीजें। एडवांस सोच वाले ट्रेडिशनल लोगों की बात निराली होती है, वो जापानियों की तरह होते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे विकसित देशों की श्रेणी में आने वाले जापान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको हैरान कर देगी और आप सोचेंगे कि इतने विकसित देश में ऐसा भी होता है। आज बात होगी जापान के पार्टी म्यूजियम की और फिर नेक्ट वेटर रेस्टोरेंट की। वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे बेहतरीन वीडियोस लेकर आते हैं। आइए चलते हैं जापान और देखते हैं वहाँ के अजीबोगरीब रिवाज। मल्टी फ्लेवर आइसक्रीम, क्या आप बता सकते हैं आपने अब तक कितने फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाई है? ज्यादातर लोग केवल चॉकलेट और वनीला फ्लेवर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इन्हीं दो फ्लेवर की आइसक्रीम मिलती है। लेकिन जापान में आपको बहुत सारे फ्लेवर वाली आइसक्रीम मिल जाएगी, यहाँ तक कि आपको नॉनवेज और ग्रीन टी फ्लेवर की आइसक्रीम भी मिल जाएगी। वो ग्रीन टी जो जनरली हमारे यहाँ चाय के रूप में पी जाती है, आपको जापान में तकरीबन हर चीज में ग्रीन टी का मिक्सचर मिल जाएगा। ग्रीन टी फ्लेवर कैंडी आइसक्रीम के साथ साथ आपको हरे रंग का कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगा। फिश के अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी जापान में मिल जाएगी। नेक्स्ट वेटर रेस्टोरेंट, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड लेकर लड़कियां कुछ ऐसे पोज में बैठी हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि रेस्टोरेंट मालिक मेनू कार्ड किस अंदाज में दिखा रही है। जापान में ऐसे भी रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहां लड़कियां बिना कपड़ों के टेबल पर मौजूद रहती हैं और खाने की डिशेस उनके शरीर के सारे अंगों पर रखी हुई होती है। खाने वाली उनकी बॉडी पर रखे फूड आइटम्स को उसी तरह उठाकर खाते हैं जैसे नॉर्मली हम प्लेट से फूड आइटम्स लेकर खाते हैं। अब भाई, पब्लिसिटी और अपने धंधे को चलाने के लिए जापानी क्या क्या करेंगे, क्योंकि जापान में जो होता है वो खास तौर से हम हिंदुस्तानियों की सोच से परे होता है। हमारे यहाँ के ट्रेडिशन में कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन जापान जैसे मॉडर्न कंट्रीज में महिलाओं को इस तरह प्रस्तुत करना आपको कहाँ तक सही लगता है? बाथरूम स्लीपर, जापान के लोग साफ सफाई बहुत पसंद करते हैं। हमारे देश के मुकाबले तो वहाँ पर साफ सफाई बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक कि लोग घर और बाथरूम में अलग अलग चप्पलें पहनना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जापान के होटल और रेस्टोरेंट में भी बाथरूम की चप्पल अलग ही होती है। सभी आने वाले गेस्ट को ये बात खास तौर से बताई जाती है कि बाथरूम की चप्पल केवल बाथरूम में ही यूज करना है। जिस स्लीपर को ये लोग बाथरूम में यूज करते हैं उसे बाथरूम के गेट पर ही छोड़ देते हैं, उसका इस्तेमाल कहीं भी दूसरी जगह नहीं करते। वैसे ये ट्रेडिशन तो हमारे देश में भी है। हमारे देश में भी बाहर से आने वाले लोग घर के भीतर एंटर तभी होते हैं जब बाहर हाथ पांव धो लेते हैं। साथ ही जिस चप्पल को बाथरूम के लिए यूज करते हैं उसे घर में पहनकर नहीं चलते। इस मामले में जापान के लोगों का मानना है कि अगर वो बाथरूम की चप्पल घर में लेकर आएंगे तो उससे उनका बैड लक भी घर के भीतर आ जाएगा। जापान के लोग गुड लक और बैड लक को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जापान जैसे मॉडर्न देश में भी लोग इतनी डिफरेंट थिंकिंग वाले हो सकते हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्लीन जापान, साफ सफाई की क्या अहमियत होती है ये बात जापान के बच्चों को स्कूल लाइफ से ही सिखाई जाती है। इसके पीछे रीजन ये है कि जापान का हर सिटीजन साफ सफाई को लेकर बहुत ही अलर्ट होता है। हमारे देश में लोग कुछ भी खा पी कर कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, दो कदम पर कूड़ेदान हो तब भी लोग वहां तक जाने की जहमत नहीं उठाते, बल्कि यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं। अगर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर वो झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जापान के स्कूलों में बच्चों को स्कूल की साफ सफाई करनी होती है। यहाँ बच्चे ही अपने स्कूल की पूरी सफाई करते हैं। यहाँ स्कूलों में साफ सफाई करने के लिए कोई स्टाफ नहीं रखा जाता। इस तरह बच्चे बचपन से ही साफ सफाई की अहमियत को सीख लेते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो अपने आसपास के एरिया को ना तो खुद गंदा करते हैं ना किसी को करने देते हैं। आपको क्या लगता है, अपने देश में भी ऐसा ही होना चाहिए? यूज ऑफ वेंडिंग मशीन, क्या आपने रेलवे स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया है?
आजकल स्टेशनों पर ऐसी वेंडिंग मशीनें लग गई हैं, जिससे कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पानी की बोतल ले सकते हैं। लेकिन जापान में ऐसी वेंडिंग मशीन मौजूद है जहां आपकी जरूरत का हर सामान आपको मिल जाएगा, ना दुकानदार की झंझट, ना कैश पे करने की चकल्लस। वेंडिंग मशीन से लेकर अपनी पसंद का प्रोडक्ट यूज कीजिए, कार्ड से पेमेंट कीजिए। वेंडिंग मशीन जापान में रूटीन लाइफ स्टाइल में इस्तेमाल होती है। इस मशीन से आपको हर चीज मिल जाएगी, वेज नॉन वेज फूड आइटम, छतरी से लेकर कंडोम तक वेंडिंग मशीन से मिल जाते हैं। तो आपको अगर वेंडिंग मशीन का ये आइडिया पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारी टीम की मेहनत को एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि लाइक का ये सिलसिला 1000 से ऊपर जाएगा। गंगूरों का फैशन। जापान की लड़कियों में गंगूरों का फैशन जबरदस्त होता है। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए अपने चेहरे को किस तरह का बना लेती हैं, आप खुद ही देख लीजिए। ब्यूटी के मामले में यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है। यही वजह है कि जापान की लड़कियाँ अपने कलर टोन को चेंज कर लेती हैं। अपने आप को ब्लैक टोन देने के लिए अपनी आंखों के नीचे भी ब्लैक रंग का यूज करते हैं, इसी प्रकार चेहरे पर भी ब्लैक रंग का यूज करती हैं। जापान में ऐसी लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, और अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए आप तो जानते हैं कि लड़कियां क्या क्या नहीं करती हैं। अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए यहाँ की लड़कियां अपने आप को भयानक बना लेती हैं। क्या आपको लगता है कि जापान के लोगों को ब्यूटी और हॉरर में डिफरेंस नहीं मालूम? अगर आपकी गर्लफ्रेंड इस तरह की खूबसूरत हो तो उसे आप क्या कहेंगे? बहुत ही भयानक खूबसूरत। वैसे बला की खूबसूरत कहने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी चलता है, लेकिन हमारे देश में अगर कोई इस तरह की शक्ल सूरत बनाकर सबके सामने आए तो बेशक वो सबका अटेंशन अट्रैक्ट कर लेगी, लेकिन वो ऑनरेबल होगी या हॉरेबल, या फिर लोग उसे देखकर हंस देंगे, ये तो सोचने समझने वाली बात है। पॉट्टी म्यूजियम। नाम सुनकर आपको बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये हकीकत है। जापान में एक ऐसा म्यूजियम भी है जो पॉट्टी म्यूजियम कहलाता है। यहाँ हर चीज आपको पॉट्टी के डिजाइन में मिलेगी, यहाँ तक कि बैठने की सीट भी आपको टॉयलेट पॉट की तरह है। ये म्यूजियम बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चों को पॉट्टी के बारे में सिखाने और पढ़ाने के लिए इस म्यूजियम को स्टार्ट किया गया। वैसे हमारे यहाँ तो पॉट्टी के बारे में बात करना भी बड़ा खराब समझा जाता है, लोग अजीब अजीब तरह का मुंह बनाने लगते हैं। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ बच्चों को बचपन से ही पॉट्टी के बारे में डिटेल में समझाया जाता है। फॉरहेड सर्जरी। नीचे तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें क्या आपको कुछ अजीब लग रहा है? इन तमाम लोगों के फॉरहेड पर विशेष प्रकार की आकृति आपको नजर आ रही होगी। इस तरह का चलन जापान में देखा जा रहा है। जापान के यंगस्टर्स में एक ऐसी पार्टी का चलन है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जो भी यंगस्टर्स इस तरह की पार्टी में शामिल होना चाहता है, उसे अपने फॉरहेड पर एक इंजेक्शन लगवाना होता है। उस इंजेक्शन से उसके माथे पर एक विशेष प्रकार का शेप बन जाता है जो कुछ उठा नजर आता है, और इस तरह की पार्टी केवल एक रात की होती है। सुबह फॉरहेड नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि जापान में लड़कियों को इस तरह से फॉरहेड को गुब्बारे की तरह फुला लेने वाले लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। जापान की लड़कियों की पसंद अजीबोगरीब होती है। इन पार्टियों में जाना बड़ी बात मानी जाती है। इन पार्टीज को लेकर लोगों में खास एक्साइटमेंट रहता है। जापान के लोगों की तकनीक और उसके डेवलपमेंट का ये डायमेंशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थे जापान के ट्रेडिशनल से जुड़े कुछ अजीबोगरीब फैक्ट। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।